बड़ी विडम्बना है नेताजी, अगर कहूं भागवत कथा में जाते हैं 10 रुपया चढ़ाते हैं तो का सोचते हैं कि परमात्मा सब देख रहा है वो, और काउदना काउ के जहां डकैती डाल वे जाए तब का सोचते हैं कि परमात्मा ने तो आंख इन पट्टी बांध ली है। ऐसा नहीं है माता बहनों, समझाते हैं हे राजन परीक्षित, काम क्रोध मद लोभ हिंसा का दमन करते हुए मेरी बाणी की ओर ध्यान देना। उसी समय परीक्षित महाराज ने जवाब दिया, श्रीमन मेरा मन मेरा ध्यान आपकी ओर केंद्रित है। अच्छा सुनो, परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक कथा सुनी। महाराज आपने सुना होगा कि परीक्षित महाराज का तो मोक्ष हो गया, लेकिन सुखदेव जी कहां चले गए उसके बाद में? देखो, कथा सुनने वालों का भी मोक्ष होता है और कथा कहने वाले का भी मोक्ष होता है। जब परीक्षित के लिए विमान आया और साथ ही साथ सुखदेव जी के लिए भी विमान आया था। ये भागवत कथा गोस्वामी तुलसीदास ने जो नवदा भक्ति बताई है उनमें एक तरीका की भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और तू शरीर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम तरीका की भक्ति होती है संतों का सम्मान करना, संतों की संगति करना। भूल करके भी माता बहनों अगर तुम किसी संत का सम्मान ना कर पाओ तो कभी किसी संत का निरादर मत कर देना।
प्रथम तरीका की भक्ति संतों का सम्मान, दूसरे तरीका की भक्ति होती है भगवान की कथा को सुनना। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो का शास्त्री जी सब काम धंधो छोड़ के मंडी में जाए, वो भूल के जा कथा में ही बैठे रहे, ऐसा भी नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुण्यादि, कहने का मतलब है जितना भी समय मिल जाए उतना बहुत है। एक विद्वान तो ये कहता है लगा सको तो बाग लगाओ पर आग लगाना ना सीखो, और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ पर मान मिटाना ना सीखो। मिटाने लायक कोई चीज है तो अभिमान है महाराज। अगर तुम एक वृक्ष को नहीं लगा सकते तो हरे भरे बाग में आग लगाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आग जानती हो बुआ जी, अभी लॉकडाउन निकल के गया था और लॉकडाउन में प्रत्येक वस्तु जो एक रुपया की आती वो दो रुपया की आई, और दो रुपया की आती वो चार रुपया की आई, और जो 100 रुपए की आती थी वो 200 रुपए की आई, यानी सब चीज के दुगने रेट हो गए। लेकिन आपने देखा होगा नेताजी माचिस दिया सराई कहते जाए माचिस, जब लॉकडाउन में हूं माचिस 1 ही रुपया की बिकी। क्यों? क्योंकि आग लगाने वाले व्यक्तियों की कभी भी कीमत बढ़ती नहीं है। आग लगाने वाले व्यक्तियों की कभी कीमत नहीं बढ़ती। आपने सुना होगा महाभारत में, क्योंकि महाभारत की तो खाने जागम है, हम तो ज्ञान की पिटारी मानते हैं अपने गुरुजी को, और बहुत निडर होकर के मनवाता चले जाता, कोई दिक्कत हुआ आते तो नेक फोन लगाए दे रहे बस। आपने देखा होगा पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय पे गलने के लिए गए, तो सबसे पहले गली तो द्रौपदी गली। क्यों? ये पूछा था युधिष्ठिर महाराज से, तब युधिष्ठिर महाराज ने बताया था कि सुनो इन्हीं द्रौपदी के कारण इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया था। ध्यान रखियो, लड़ाई करवे भाई सबसे पहले गंतव्य परीक्षित महाराज सोचम पर गए कौन करवाए देगा तुम। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, एक विद्वान तो ये कहता है, और जितेंद्र भैया ने कहते ही आ जाओ, अरे चुगला चुगत नहीं होई तो आदत में बदलाव नहीं आता महाराज। अरे चुगला चुक तुए नहीं गाय तो चाहे, अरे घर घर फूट कराई दे करे एक के कोई, श्रोताओं कभी भी आग लगाने का काम नहीं करना चाहिए। और ये 101 रुपया परम पूजनीय श्रीमान चरण सिंह नेताजी की तरफ से आए हैं, और मेरा तो स्वास्थ्य खराब है इसीलिए मैं परसों भी नहीं आ पाया था गुरुजी के साथ में। डॉक्टर ने मना किया है, इधर एक गांठ सी हो गई है बहुत बड़ी, और वो गाने से फूलती है गांठ, इसलिए डॉक्टर ने मना किया है। और अब यहाँ से मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव जी से निवेदन करूंगा, अब वो आ जा भैया।